आपने कहा था कि हम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करें, तो लेकिन मॉर्निंग में सोच सोच के मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शेयर करूं, बट अभी 12:15 हो चुके हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं करंट वीडियो स्टार्ट तेरे करूं। अभी मेरी चाबी बहन बैकग्राउंड में बात कर रही दुआएं। दादी से, और मैं अपने बाल में कॉम्ब कर रही हूँ। इसके बाद मैं जस्ट कंप्यूटर क्लास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। 12:15 कौन ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मैं क्या करूँ। और लेट से सुबह उठने की भी आदत है। देख सकते हो गाइज, मेरा इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा कैप्चर कर रहा पा रहा है कि नहीं, बट आप देख सकते हो। ओ गॉड, कंप्यूटर क्लास जाने के लिए मैं सिंपल सा हेयर कॉम्ब किया हुआ है। बहुत जल्दी में मैं रहती हूँ सुबह में, एकदम मॉर्निंग की रूटीन में नहीं शेयर कर सकती परमानेंट, बट अपना आज डे रूटीन जो मेरा है वो मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करूंगी। एक वीडियो के अंदर पूरा शेयर करना इज नॉट पॉसिबल। मुझे ब्रेकफास्ट करना है, और ये हमारा लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। चाय है एंड ये है हमारा चिली पोटैटो। थोड़ा सा ये मंचूरियन की तरह दिख रहा है, लेकिन ये है चिली पोटैटो। मैं बहुत ही जल्दी से कंप्यूटर क्लास जा रही हूँ, बहुत ही लेट हो गया मुझे। बच्चों के बहुत बार फोन आ रहे हैं, वैसे सारे बच्चे लगभग मेरे से बड़े ही हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाते हैं तो एक तरीके से बच्चे हुए, तो उनके कॉल्स आ रहे हैं। मुझे बहुत जल्दी जाना होगा, वैसे 2 से 3 मिनट का रास्ता है पैदल मेरे घर से मेरे कंप्यूटर क्लास का। चुकी हूँ मैं, कंप्यूटर क्लास से पढ़ा के आती हूँ गाइज। मैं लगभग 2 बजे, कभी कभी 2 से 2:30 हो ही जाता है, 2:30 बज जाता है, और 2:30 के बाद 3 बजे मेरी करेक्ट कोचिंग है। कोचिंग किस चीज़ की, बीकॉम फाइनल ईयर की कोचिंग है हमारी। तो मैंने कई बार अपनी कोचिंग दिखाई भी है, बताई भी है, मैंने कहा गेस्ट करो, बाकी वो सब अलग बात है। लेकिन मैं 3 बजे कोचिंग चली जाती हूँ, तो अभी मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद जस्ट कोचिंग चली जाऊंगी। जब मैं कोचिंग से घर वापस आ चुकी हूँ, 5:15 हो चुका है, ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है। वैसे मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ये पूरा डे व्लॉग आपके साथ में शेयर करें, मतलब पूरा मेरा दिन का जो रूटीन है कॉमन कॉमन सा। बाकी हर दिन की रूटीन तो बदलती ही रहती है, कभी कोई कोई काम आ जाता है, कोई कोई अर्जेंट काम आ जाता है, तो रूटीन तो बदलती रहती है। कभी जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा शेड्यूल एकदम फिक्स है, तो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन ऐसा शेयर करूंगी। अभी तो बहुत भागम भाग चल रहा है लाइफ में, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है एज यू नो। शाम को जब मैं घर आती हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ, और इवनिंग स्नैक में जैसे कि मैंने चाय लिया हुआ है, और यहाँ पे है भुने हुए काजू। डेली का अलग अलग कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आज है हमारे यहाँ पे भुने हुए काजू बाय जूही जी। अब शाम हो गई है एंड हम आए हैं कपड़ों को छत पे फैलाने के लिए जूही के साथ। तो देख सकते हैं कल थी करवा चौथ। हमारी प्यारी मशीन जाएंगी अंदर। तो गाइस अभी हम कुछ सामान लेने के लिए बाहर आए हुए हैं, मतलब ये अलग अलग दिन की अलग अलग रूटीन होती है, लेकिन आज आए हैं, आज की रूटीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे एंड मेरा दिन कल का ऐसे ही बीत गया था। मैं सो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला था, और मुझे याद भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे याद नहीं था कि मुझे रूटीन में शेयर करना है, बहुत बिजी डे रहता है मेरा डेली। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं संडे को अपना रूटीन दिखाऊं, जो भी है जैसा है, क्योंकि जो हम करते हैं उसमें कैमरे को करना मेरी हैबिट नहीं है कि हर जगह पे कैमरे को ही मतलब पहले इंपॉर्टेंस दी जाए। पहले लगता है कि अपना काम करो, फिर यार वीडियो शूट करने के लिए एक अलग हमें स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा ये रूटीन वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।